खुदावंद यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की शांति शालोम। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17वां अध्याय हम भूले नहीं हैं। हमें स्मरण है कि हम पुराने नियम की एक एक पुस्तकों को उनका अध्ययन बड़ी गंभीरता से बहुत दिल और मन लगा करके परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखने की मंशा से, जैसा दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे वचन को दाऊद जैसा पराक्रमी पुरुष जो इसराइलियों का एक बहुत ही होनहार राजा था और जो बहुत आदर और सम्मान और इज्जत से इसराइलियों में देखा जाता था, उसने कहा कि मेरे मन में तो तेरा वचन है, मैं जो कुछ हूं। क्योंकि देखिए, आप मन से ही होते हैं, जो आपका मन होता ना वही आप होते हैं। दिल दिमाग जो है वो आपका चेंज होता रहता है, लेकिन मन जो है ना वो एक ऐसी चीज है जो आपकी पर्सनैलिटी को, और मन का मतलब ये शारीरिक दिल नहीं, ये जो आपकी भावना, आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र, आपकी सोच, जो सोच आपके क्रियाकलाप में दिखती है, आपके जबान में, आपकी बातचीत में, आपके व्यवहार में, आपके दुख में, आपके मुसीबत में, आपकी खुशी में, आपके प्यार में, आपके मोहब्बत में, आपके झगड़े में, लड़ाई में, ये सब मन है। मन का बहुत बड़ा दायरा है। और इसी उसने कहा कि मैंने तेरे वचन को, मैंने कोई वस्तु को नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं, किसी स्थान को नहीं, लेकिन तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। आज हमने अपने मनों में दुनिया की चीज बसा रखी, किसी ने कोई स्थान बसा रखा है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है, बहुत शानदार जगह है, किसी ने कोई वस्तु बसा रखी है, ये बहुत पसंद है मेरे को, ये बहुत अच्छा लगता है, ये चीज बहुत अच्छी लगती है, मेरे मन को, मन में बसी हुई है। कई लोगों ने कई लोगों को बसा रखा है, किसी ने अपनी वाइफ को बसा रखा है, किसी ने अपने हस्बैंड को बसा रखा है, किसी ने अपने प्रेमी को, किसी ने अपनी प्रेमिका को, किसी ने अपने मम्मी को, किसी ने अपने पापा को, दुनिया के लोगों को हमने बसा रखा है। वचन की कहां जगह है मित्रों? आपके वचन, आपके मन में वचन बस रहा है कि नहीं बस रहा है? और इसी पर हम बात करना चाहेंगे। उत्पत्ति किताब उसका 17वां अध्याय, जैसा मैंने कहा कि हम भूले नहीं हैं कि हमें उत्पत्ति की किताब से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है। 17 साल के बाद परमेश्वर अब्राहम से एक बार फिर से मुखातिब होता है, जो परमेश्वर ने पहले दर्शन दिया था, जिसके बाद अब्राहम ने, सब हमने अध्ययन किया है, मैं सिर्फ थोड़ा सा उसको रिकैप करना चाह रहा हूं। जब हाजरा को लेकर के उसने इश्माइल नाम के पुत्र की उत्पत्ति की, पैदाइश की, और सब गड़बड़ सड़बड़ हो गया, वो आप सब कहानी हम लोग और सब घटना का हम लोग ने विश्लेषण किया है, और मुझे यकीन है कि वो सब आपको याद होगा। नहीं याद होगा तो एक बार पीछे चले जाइएगा, अपनी जरा पर्सनल स्टडी किया कीजिए। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। मित्रों, दुनिया की सारी चीजें नेस्त नाबूद हो जाएंगी, ये वचन ही संभालेगा, क्योंकि आदि में ही वचन था। आदि में परमेश्वर ने, तो परमेश्वर कौन था? वचन था। इसके पहले कि आपके मन में बसी हुई चीज, व्यक्ति, वस्तु, स्थान बसे, इसके पहले परमेश्वर का वचन था, और ये सारी चीजें उस वचन से ही पैदा हुई है। और इसलिए वचन को इतना महत्व दीजिएगा, क्योंकि तेरा वचन ही मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है। आज वचन को छोड़ के दुनिया के उजियाले करने के चक्कर में हम पड़े, दुनिया का प्रकाश, किसी को एजुकेशन का प्रकाश चाहिए, किसी को मनी का प्रकाश चाहिए, किसी को रिलेशन का प्रकाश चाहिए, दुनिया के प्रकाश पैदा करने के चक्कर में, जबकि ऑलरेडी खुदावन ने एक ऐसा ना बुझने वाला, ना डिम होने वाला, ना धुंधला होने वाला प्रकाश हमें दिया है, जो कभी मरता नहीं है, जो कभी खत्म नहीं होता है, जो कभी बुझता नहीं है, ऐसा प्रकाश हमें दिया है।
तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक। और आज मेरे साथ आप रहिए थोड़ी देर, मैं इसी पर बात करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी इस वचन के जरिए खुशहाल हो, क्योंकि आपने सब ट्राई करके देख लिया। आपका मतलब मैं भी उसमें शामिल हूं, मैं किसी को पर्सनल बीट नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को किसी की नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि हम सब ने आजमाया है कि जितनी चीजों को हमने मन में बसाया वो सारी चीजें कहीं ना कहीं नाश हो गई, धोखा दे गई, धूमिल हो गई, धुंधली हो गई। लेकिन परमेश्वर का वचन आज तक, लोग आए लोग चले गए, जगहें आई जगहें चली गई, चीजें आई और चीजें चली गई, मगर परमेश्वर का कलाम आज भी मौजूद है। और जिस दिन आपको परमेश्वर के कलाम का महत्व मालूम हो जाएगा, उसकी ताकत, उसका दबाव, उसका जो उसकी गंभीरता है, उसका जो वेट है, उसका जो भार है, जिस दिन आपको पता चल जाएगा मित्रों, उस दिन आपकी जिंदगी में ऐसी खुशहाली आ जाएगी, इतनी पैदावार होगी आपकी भूमि में कि समाने की जगह नहीं होगी। मैंने कहा 17 साल तक खुदावंद ने कोई बात नहीं की, कोई वचन नहीं आया। ये जो आज हम 17वां अध्याय पढ़ रहे, इसके पहले जब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया था, उससे बातचीत की थी, उसके बाद आज 17 साल के बाद परमेश्वर एक बार फिर से, और उसकी वजह यह है कि परमेश्वर हमारे धैर्य को जांचना चाहता है। लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरेगा। देखिए, धीरज एक ऐसी खूबसूरत चीज है जो आपको उसके वचन में गहरा करती है। आपका धीरज परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने का सबसे बड़ा लिंक है, जब आप धैर्य से उसकी प्रतीक्षा करते हैं। क्योंकि हम इंसान जब अधीर हो जाते, जब धीरज खो देते हैं, तो यह इस बात का द्योतक है कि हम परमेश्वर पर भरोसा ना करके अपने ऊपर भरोसा कर रहे हैं। क्योंकि हमको अपनी औकात मालूम है, हमको मालूम है कि हमारा एक एक दिन गुजरता जा रहा है, हमको मालूम है कि 60 साल 70 साल 80 साल, और इसलिए हम बिल्कुल धैर्य खो देते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि इट इज गॉन, ये खत्म हो गया। लेकिन जब आप धीरज धरते हैं, और कहा वो भी उसके वचन में, तो आप उसके वचन पर भरोसा करते हैं। जितना धीरज उतना ज्यादा भरोसा, जितना धैर्य, जितना परमेश्वर के वचन में विश्वास, उतनी ज्यादा धीरजता धैर्य आपके पास है। और वही धैर्य, वही धीरज परमेश्वर पर विश्वास करने का एक बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी कड़ी है। और इसलिए मसीहियों, आपको जो धीरज का वरदान दिया गया है, धैर्य का वरदान दिया गया है, इसको कभी अपने से जुदा मत होने दीजिएगा। 17 साल के बाद अभी भी अब्राहम परमेश्वर की नजर में था, और सबसे अच्छी बात यह थी कि अब्राहम की नजर में भी परमेश्वर था। इस 17 साल के अलगाव ने, 17 साल के साइलेंस ने अब्राहम को विचलित नहीं होने दिया। ठीक है, उसने गलती की, लेकिन उसके बाद उसको समझ में आ गया कि बगैर धीरज धरे परमेश्वर की मंशा, परमेश्वर की आशीष मेरे से पूरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि वी फेल व्हेन वी लूज आवर एंड्योरेंस। और परमेश्वर ने एक बार फिर उसको दर्शन दिया, और यह दर्शन एक नए तरीके का था। सुनिए, मैं पढ़ना चाहता हूं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17वां अध्याय। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। परमेश्वर ने कहीं उसके उम्र पर उंगली नहीं लगाई, तू बूढ़ा हो गया है,
तू 99 वर्ष का हो गया है। परमेश्वर अपनी पर्सनैलिटी, अपनी पराक्रम होने का जो उसका गुण है, सर्वशक्तिमान होने का जो गुण है, उसको आपको बता के एस्टैब्लिश करना चाहता है कि तुम्हारा 99 वर्ष मेरे सर्वशक्तिमान होने पर उसका कोई असर नहीं है। तुम 99 नहीं, तुम 999 भी हो जाओ, मैं सर्वशक्तिमान। आप थोड़ी देर रहिए मेरे साथ, बहुत गंभीर विषय है। परमेश्वर अपने आप को हमारे मनों में एस्टैब्लिश करना चाहता है, प्रकट करना चाहता है। देखिए, ये बाइबल बहुत, ये छिछली किताब नहीं है, ये कोई कहानी किस्सा नहीं है जो आप बस यूं ही पढ़ते हैं जैसे कि अरे बाइबल पढ़ लिया। क्या पढ़े बाइबल? बाइबल पढ़ने का अर्थ नहीं, बाइबल समझने का अर्थ है। अगर आपने खुदा का कलाम समझा नहीं, आप किसान से पूछिए, जब वो, और खासकर जो बड़े किसान है ना, जब वो पैदावार बोते तो ऐसा नहीं कोई अरे भैया कितो बीजा बीज दे देना, एक बोरा बीज है, कौन बीज है, काहे का बीज है, अभी बोया जाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत रिसर्च होता है। जो बड़े बड़े किसान है ना, वो आधा समय रिसर्च में लगाते हैं कि कौन सा बीज कब किस समय में कितनी पैदावार कैलकुलेट करते हैं वो, और इसीलिए वो बड़े किसान कहलाते हैं क्योंकि उनकी पैदावार भी उसी तरीके से बंपर पैदावार होती है। इसीलिए उनके पास 10-10 ट्रैक्टर और 10-10 कंबाइन होते क्योंकि पैदावार बंपर होती, क्योंकि सोच बड़ी होती है, क्योंकि रिसर्च होता है, क्योंकि बीज पर ध्यान दिया जाता, क्योंकि खेत को तैयार किया जाता। हमारी प्रॉब्लम यह है, हम लोग वो टुटपुंजिया किसान है, कोनो बीज मिल गया, किसी ने दे दिया, हाँ हाँ बिया है ना, अरे बहुत अच्छा बोले, वो कन्वेंशन हुई बहुत अच्छा बोले, अरे क्या बोले, क्या समझ में आया, कुछ भी बिया लेके कुछ भी बो दिए। परमेश्वर अपने आप को एस्टैब्लिश करा, तुम हो गए 99 साल के, मैं अभी भी सर्वशक्तिमान हूं। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। यहां पहली बार परमेश्वर ने जो सर्वशक्तिमान शब्द का इस्तेमाल किया, अभी तक जो जिस भाषा का इस्तेमाल बाइबल में उस वक्त होता था, उसमें एल ओहिम करके परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता था। इन द बिगिनिंग वॉज द एल ओहिम, आदि में एल ओहिम था। लेकिन आज परमेश्वर ने अपना एक और स्वरूप दिखाया और उसने कहा कि मैं एल शद्दाई हूं। एल ओहिम तो मैं हूं ही, और एल ओहिम का मतलब होता है परमेश्वर जो देता है, परमेश्वर जो संपूर्ण है, पूर्ण है। मैं बहुत सरल भाषा में बात कर रहा हूं, है यह बहुत गंभीर विषय, लेकिन मैं बहुत सरल भाषा में कि आपको समझ में आ जाए। मैं पूर्ण हूं, संपूर्ण हूं, लेकिन यहां पर एल ओहिम बदल करके परमेश्वर ने कहा मैं एल शद्दाई हूं, और एल शद्दाई का अर्थ होता है मैं संपूर्ण से भी बढ़ करके हूं। तुम सिर्फ संपूर्ण जानते हो, तुम सिर्फ पूर्ण जानते हो, तुम केवल पूरा होना जानते हो, मैं पूरे से भी ज्यादा हूं। दाऊद ने एक बहुत गंभीर वाक्य लिखा और कहा कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आप इस लाइन की गंभीरता नहीं समझ रहे मित्रों। उसने प्याले की, कटोरे की तो सीमा बताई, लेकिन कहा कि अगर सिर्फ मेरा कटोरा भर रहा है तो वो तो एक सीमित हो गया,
लेकिन खुदा की जो दया है उसका अनुग्रह और उसका आनंद मित्रों सिर्फ भरता नहीं है, वो उमंडता है। और उमंडता एक ऐसा शब्द है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। देयर इज नो लिमिट टू द ओवरफ्लो। जो चीज ओवरफ्लो हो रही है, जो चीज उमंड रही है, वो इसीलिए उमंड रही है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। अब आपको समझ में आ रहा है। आज परमेश्वर अब्राहम को 99 साल का अब्राहम हो गया, हो गए तुम 99 साल के, अभी तक तुम मुझे पूर्ण जानते थे, अब मैं पूर्ण से और संपूर्ण से भी बढ़ के हूं। आई एम मोर देन इनफ। टिल नाउ आई वॉज इनफ बट नाउ आई एम मोर देन इनफ। तुमको जितना चाहिए उससे कई 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 गुना, जिसको तुम नाप नहीं सकते हो, तुम तौल नहीं सकते हो। और इसे ही मैं बार बार कह रहा हूं मित्रों कि जिस दिन आपको परमेश्वर जो वचन है उसकी गंभीरता समझ में आ जाएगी कि यह वचन पूर्ण ही नहीं है, संपूर्ण ही नहीं है, यह आपके संपूर्ण से भी ज्यादा है। आप तो एक दिन संडे को आ करके डेढ़ दो घंटे बैठ करके सोचते हैं कि आपने पूर्ण पा लिया, आपको बहुत कुछ मिल गया, जबकि हफ्ते भर भी अगर आप इसकी खोज करेंगे तो यह खत्म नहीं होगा, क्योंकि यह पूर्ण से भी ज्यादा है। क्योंकि यह सिर्फ आपकी जिंदगी के कटोरे को भरने में ही नहीं, लेकिन उस कटोरे के भरने के बाद भी भरता रहेगा। यह उमंडने वाला आनंद है, यह ओवरफ्लो होने वाली आशीष है, यह छलकने वाला जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप एक कोई चीज अगर छलक रही है तो आप उसको क्या तौलिएगा? वो 100 ग्राम छलका है कि 1 किलो छलका है कि 2 लीटर? यू कैन नॉट, क्योंकि वो तो उमंडता रह रहा है, वो तो छलकता जा रहा है, कुछ यहां गिर रहा है, कुछ वहां गिर रहा है, कुछ वहां गिर रहा है, आप बटोरते रह रहे। ये है वो परमेश्वर। और इस अध्याय में परमेश्वर ने, फिर मैं कहूं, अब्राहम के 99 साल होने की उसके, हम लोग 99 साल को लग रहा कि इसे कमजोर हो गया, बूढ़ा हो गया, और वो भी यही सोच रहा था, आगे हम उसको देखेंगे। लेकिन परमेश्वर ने उसके 99 साल, उसके बूढ़े और उसके उम्र दराजगी में कोई बात नहीं की, बोला वो तो तुम्हारी, तुम उसके चक्कर में क्यों पड़े हो। आई हैव क्रिएटेड यू, मैंने तुमको बनाया, मैं कुम्हार हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, तुम कह क्या रहे हो? ये तुम्हारी सोच है कि तुम 99 साल के हो गए। और आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आप अपने आप को रिटायर सोच रहे होंगे, अपने आप को कमजोर सोच रहे होंगे, अरे मैं तो अब 60 का, मैं 62 का, मैं 65 का, मैं 75 और 50, किसकी बात कर रहे, किस उम्र दराजगी की बात कर रहे? जी आपके हाई स्कूल सर्टिफिकेट से वो उम्र दराजगी हो सकती है, मगर खुदा के सामने, उस सर्वशक्तिमान खुदा के सामने जो आपके कटोरे आपकी उम्र के भरने के बाद भी उसको छलकाना जानता है, उसको उमंडाना जानता है, उसको ओवरफ्लो करना जानता है। ठीक है, आपकी उम्र अब वहां तक पहुंच गई है आपकी नजर में, तो वो तो कटोरा भरा ना, अभी तक आपने आनंद किया ना, आपको अच्छी नौकरी मिली, अच्छी तनख्वाह मिली, अच्छी पेंशन मिली, लेकिन खुदावन ने कहा वो तो पूर्ण है, वो तो संपूर्ण है, बट आई एम मोर देन इनफ। मैं आनंद को भरपूरी और उस भरपूरी से भी ज्यादा छलकाने वाला, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया मित्रों, उस प्यार को सीमा दिया ही नहीं, कोई बाउंड्री नहीं बनाई। जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वो प्रेम का था झंडा। सोचिए उस प्रेम की ना कोई सीमा, ना कोई गहराई, ना कोई चौड़ाई, ना। दैट्स व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश। और आज सुबह मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आप एक ऐसे वचन के मानने वाले हैं, एक ऐसे परमेश्वर के मानने वाले हैं, आपके हाथों में एक ऐसा सुंदर कलाम है मित्रों, जो आपके आनंद को सिर्फ भरता नहीं है, वो छलकाता है। ही गिव्स यू मोर देन यू कैन हैंडल, देन यू कैन, लिखा कि तुम अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा, अपरंपार। अरे अभी तो पार ही नहीं पार पा रहे हैं, तो अपरंपार की आशीष। अपरंपार का मतलब जानते क्या होता है? लिमिटलेस, जिसकी कोई सीमा ना।
जिसकी कोई गिनती ना हो, उस आनंद की कोई गिनती ना हो। आप उस चोर से पूछिएगा एक बार फिर से, मैं उसको लेकर के आपके सामने आना चाहता हूं। जब यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, है कोई लिमिट? उसके लिए तो जिंदगी पूर्ण हो गई थी, वो तो संपूर्ण हो गया था, बिकॉज ही वॉज डाइंग, खत्म हो गया था। यीशु मसीह ने कहा वो तुम्हारे लिए पूर्ण होगा। आई एम मोर देन इनफ, आई एम एल शद्दाई, मैं तुमको तुम्हारे लिए ये पूर्ण हो गया, लोगों के लिए पूर्ण हो गया। भैया ये तो बीत गए, इनकी जिंदगी तो खत्म हो गई, ये तो क्रूस पर मारे गए, ये तुम्हारे लिए होगा, संसार के लिए होगा, तुम्हारी जिंदगी यहां, ये जीवन तुम्हारा भले ही एंड हो गया, बट व्हाट आई एम इज अल शद्दाई, मैं मोर देन इनफ हूं, मैं पूर्ण और संपूर्ण से भी ज्यादा हूं, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। वाओ, है कोई सीमा इसकी? खरीदेंगे आप इसको? कितना देंगे इस उस फिरदौस का दाम कितना देंगे, जरा बताइए, आप कैलकुलेट करके बताइए, क्या दे देंगे, क्या प्रॉपर्टी आप लिख देंगे उस फिरदौस के लिए? अरे वो हमारे कटोरे को छलकाना जानता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बड़ा गंभीर ये चैप्टर है, गंभीर तो सभी है, परमेश्वर का वचन है तो गंभीर है। मैं बड़े करीने से और धीरे धीरे करके आपके साथ बढ़ना चाहता हूं। पांच, होल्ड ऑन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 जगह परमेश्वर ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया। मेरे साथ रहिए, आइए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17वां अध्याय, किस तरीके से प्रभु परमेश्वर अपने आप को मैं करके संबोधित करता है। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। मैं, नंबर एक। आइए दूसरा पद, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। आप देख रहे हैं, तुम 99, 100 तुम्हारा होगा, लेकिन मैं। फिर आइए पांचवें पद में, सो अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। नंबर 6, और मैं तुझे अत्यंत ही फुलाऊ और फलाऊंगा। फिर सातवें पद में आइए, और मैं तेरे साथ। फिर नीचे आइए कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर होगा। आठवां पद, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी। और फिर आठवें पद में, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। 8 बार। मित्रों एक काम कीजिए, ये मैं ना परमेश्वर के लिए रहने दीजिए। जो आप मैं करते रहते हैं, मैं, अरे मैं कितना अच्छा बोलता हूं, मैं कितना अच्छा गाता हूं, मैं कितना सुंदर लग रहा हूं, मैं कितनी सुंदर लग रही हूं, मैं, ये जो मैं है ना, मैंने ये किया और मेरे घर में और मेरे परिवार में, ये मैं परमेश्वर के लिए रहने दीजिए। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि परमेश्वर अपने वचन को एस्टैब्लिश करना मांग रहा है। मेरी बात सुनिए आप, क्योंकि जब तक बीज पर आपका भरोसा नहीं होगा, वचन बीज है ना, बीज वचन है ना, जब तक किसान को बीज पर भरोसा नहीं होगा तब तक पैदावार नहीं होगी। किसान को बीज पर, देखिए बिना, वो इतनी मेहनत कर रहा है, पूरे खेत में पूरा खेत उसके पास है, सारे संसाधन उसके पास है, उगना तो बीज को ही है, ट्रैक्टर और कंबाइन और हल और फल नहीं उगेगा, पैदावार तो बीज से ही आनी है। तो अगर बीज पर भरोसा नहीं है कि ये उगेगा कि नहीं उगेगा, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप किसान ये भी सोच रहा है कि नहीं इस बार बीज नहीं बोते, हां बीज नहीं बोते, लापरवाह हो गया, वेकेशन पर चला गया, पार्टी में चला गया, घर में शादी है, सुनते जाइएगा, बीज पर कोई ध्यान नहीं, क्योंकि बाकी काम में हम व्यस्त है ना, ट्रैक्टर खरीदने में चले गए, ट्यूबवेल लगवाने में चले गए, बीज नहीं खरीदा जा रहा क्योंकि बाकी काम में हम व्यस्त है ना, बात समझते जाइए आप। और आपको मालूम है मैं कहां से बोल रहा हूं,
वो एग्जामिनेशन है ना, और वो स्कूल का काम पड़ गया है ना। आप सुन रहे हैं कि नहीं मेरी बात? वचन बीज, अरे किसान है, ठीक है ना, किसान है, और किसान का काम है खेत में पैदावार लाना, लेकिन जिस चीज से पैदावार होनी है उसको किनारे किया गया क्योंकि हमारे पास बाकी काम है ना। और वो आप समझ रहे हैं ना, और वो हो गया ना, तो चर्च नहीं आ पाए, सरबन नहीं सुन पाए, बाइबल नहीं पढ़ पाए। किसान बहाना बना रहा है कि हम बीज नहीं खरीद पाए, बीज नहीं बो पाए, और दुनिया की कंप्लेंट हो रही है कि इस बार खाने खाने को हम मोहताज हो गए। घूम घूम करके सिंपैथी बटोर रहे हैं आप, क्या करें, तनख्वाह नहीं मिल रही है, क्या करें, कर्ज में डूबे हुए हैं, क्या करें, बच्चे की फीस नहीं पे कर पा रहे हैं, क्या करें, क्या करें, क्या करें, आप सिर्फ सिंपैथी बटोर रहे हैं। पैदावार कहीं नहीं हो रही है क्योंकि आपको यह पता ही नहीं है, और यह अगर पता भी है तो मूर्खों की कमी तो है नहीं। यीशु मसीह ने तो कहा, जब कुंवारियां जो दूल्हे से मिलने जा सकती वो मूर्ख हो सकती हैं, उनको इतना नहीं समझ में आया कि तेल रख लिया जाए, उनसे कोई बहुत बड़ा काम करने को, पहाड़ तोड़ने को नहीं बोला गया था। बीज बो नहीं रहे, बीज पर भरोसा ही नहीं है, बीज और छोड़ दीजिए, आपके भंडार में, किसान के भंडार में बोरा का बोरा बीज भरा हुआ है, लेकिन किसान को भरोसा नहीं है कि यार ये बीज बोने से क्या, मतलब क्या पैदावार हो जाएगी, ये उग जाएगा। मेरी बात सुनिए मित्रों, मैं थोड़ी देर यहां ठहरा हुआ हूं, आप कह रहे होगा आगे बढ़िए ना, मैं हम नहीं पढ़ना चाहते, मैं पहले आपको आई वॉन्ट टू एस्टैब्लिश द इंपॉर्टेंस ऑफ द सीड। अंटिल यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट ऑफ द सीड, फॉरगेट अबाउट द क्रॉप एंड हार्वेस्ट। एक बूंद नहीं उगेगा, एक बीज नहीं ग्राउंड में पड़ करके उगेगा, क्योंकि आपने बीज का महत्व जाना ही नहीं। और यही नहीं, आप तो बीज से बहस कर रहे, बीज को इतना इग्नोर कर रहे, पैदावार आपको सब चाहिए, दुआ कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है, आप लाख बार दुआ कीजिए बिना बीज बोए खेत में जाकर के, अगर एक बूंद भी आप पैदा कर लीजिए। क्या तू नहीं जानता कि विश्वास कर्म के बिना अधूरा है, मुर्दा है? अरे हमको विश्वास है, बहुत अच्छी बात, और बिया कहां बोया? परमेश्वर का कलाम हमारे लिए बिल्कुल लाइक हु केयर्स, किसको फुर्सत है? और जिंदगी में आनंद सबको चाहिए, खुशी सबको चाहिए, भरपूरी सबको चाहिए। परमेश्वर ने 8 बार अब्राहम को, और सुनिए आप ये पढ़िएगा, एक को चीज पूरी नहीं हुई है जो परमेश्वर कह रहे हैं मैं ये करूंगा वो करूं सब करूंगा, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, बहुत अच्छी बात। यही परमेश्वर चाहता है कि पहले आप विश्वास कर लीजिए दैट आई एम एबल टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू माय वर्ड। पहले आपको भरोसा होना पड़ेगा कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, पहले वो आपको वचन देगा। जब तक वचन में आप एस्टैब्लिश नहीं होंगे, काम एक भी पूरा नहीं होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? करिए इग्नोर वचन को, करिए दुराओ, रहिए दूर परमेश्वर के वचन से। एक किसान, रहो दूर तुम बीज से, कभी बीज को छूना मत, हाथ मत लगाना बीज को, बीज की तरफ देखना नहीं। घर में बीज अगर ला दिए, अगर कभी तुमने बीज को हाथ में ले लिया और उसको कभी तुमने परखने की कोशिश की, खबरदार किसान हो तुम,
ईसाई हो मसीही हो तुम, खबरदार जो परमेश्वर का वचन पर। मित्रों बागे अदन में उसने वचन पर ही तो प्रहार किया था। क्या परमेश्वर ने कहा? क्योंकि उसको मालूम था कि अगर परमेश्वर ने कहा है तो वैसा होकर रहेगा। यहीं पर इनको डाउटफुल, यहीं हम परमेश्वर के वचन से इसको अलहदा कर दे, इसको अलग कर दे, इसको दूर कर दे, काम मेरा हो जाएगा। अगर बीज हम हटा ले, बीज ले ले बोने वाले के हाथ से, किसान के हाथ से, तो पैदावार कहां होगी? भूखे मर जाएंगे, लाले पड़ जाएंगे। आज हमारे नौजवान भूखे मर रहे क्योंकि हमने दुनिया की चीज के चक्कर में बीज को महत्व दिया नहीं। हमने यीशु मसीह का दृष्टांत केवल एक कहानी के रूप में, उस दृष्टांत का क्या मतलब था अपने चेलों को अलग से समझाया, और अब्राहम को पहले अपने वचन में। आप मैं जानते क्या कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उत्पत्ति का 17वां अध्याय मित्रों वो अपने वचन में एस्टैब्लिश कर रहा है, गहरा कर रहा है, उसके अंदर जड़ पकड़वा रहा है। देखिए जब बीज जाता है ना तो पहले जड़ पकड़ती है मित्रों, फर्स्ट इट गोज डाउन, अंटिल इट गोज डाउन इट कैन नॉट कम अप। जब तक परमेश्वर का कलाम एस्टैब्लिश नहीं होगा, जब तक आप फुल्ली भरोसा नहीं करेंगे उसके ऊपर, यहोवा मेरा चरवाहा है, उसने कह दिया मुझे कुछ घटी, तुम जंगल में पड़े हुए हो, तुम्हारे पास खाने को है कि नहीं आई डोंट नो। आप उसका अगर आप एक फोटो लीजिए दाऊद की, जब वो लिख रहा कुछ भी नहीं है उसके पास, हम लोग की नजर में, दुनिया की नजर, उसने कहा मुझे कुछ घटी नहीं होगी। ही इज एस्टैब्लिशिंग, ही इज प्रोफेसाइंग। मित्रों आदि में परमेश्वर का वचन था, यानी ऑलरेडी वो मौजूद था, और जब वो मौजूद है ना और एक बार आपको भरोसा हो गया तो बाकी। मित्रों अगर घर में आटा है तो यह तय है कि रोटी बन जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जब मटेरियल मौजूद है तो फिर उसका आउटकम तो हो ही जाएगा। अगर वचन है, और आदि में ही वचन था, बिफोर एनीथिंग वुड स्टार्ट, बिकॉज एवरीथिंग हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, तो जब वो आदि में ऑलरेडी है तो बाकी चीज को तो होना ही है। और बस यही मैं आपको आज आपके दिल दिमाग में मैं रख देना चाहता हूं, उसके वचन को अपने हृदय में रख छोड़िए मित्रों, क्योंकि जैसा मैंने कहा अगर वचन है ना तो उसकी ब्लेसिंग आएगी ही आएगी, इफ इट्स देयर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जब आपके पास वो जीवित वचन जिसके बोलने पर आसमान और जमीन पैदा हो गए, पूरी कायनात, मैं पूरी कायनात की बात कर रहा हूं। कभी पूछिएगा नासा के वैज्ञानिकों से कायनात किसको कहते, कॉस्मोस किसको कहते, ये अंतरिक्ष किसको कहते, उनसे पूछिएगा वो आपको समझाएंगे। वचन के कह देने से हो गया। आप वचन की ताकत को इतना मामूली मत समझिए मित्रों, और इसीलिए मैं दिल से आपसे निवेदन करता हूं, इस वचन को कहीं जाने मत दीजिएगा। मोर वर्ड यू हैव, मोर गॉड यू हैव। जितना बीज है ना उतनी ही पैदावार है आपके पास। एक किलो बीज है तो एक किलो की ही पैदावार है, और एक टन बीज है ना तो एक टन की पैदावार है। मोर सीड यू हैव, मोर हार्वेस्ट यू गॉट। बीज है तो हार्वेस्ट आनी ही है, पैदावार आनी है, कोई रोक नहीं सकता उसको। मैं वो एस्टैब्लिश कर रहा है कि मैं ही हूं। अपना मैं छोड़ दो, तुम 99 साल के हो कि 100 साल के हो, ये सब बात कहना छोड़ दो, मैं बात करके खत्म करना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा हुआ कुछ भी नहीं था और परमेश्वर ने सब कुछ कह दिया। आपकी जिंदगी में कई बार होगा कुछ नहीं लेकिन परमेश्वर ने कह दिया। एक बार आपको भरोसा हो गया उस पर, नर्सरी में बच्चा गया, टीचर ने कहा ए फॉर एप्पल, ऐसे कहा और कहा बेटा ये ए है। अब बच्चा बहस करने लगे, कहे हमको तो नहीं लगता है कि ये ए है, हाँ हमको तो नहीं लगता, ये टीचर पता नहीं हमको तो नहीं लग। तू यहां से हो नर्सरी में और तुम टीचर के ऊपर उंगली उठा रहे। जब तक वो बच्चा उस टीचर के वचन पर की बात पर भरोसा ना कर ले,
बच्चा नर्सरी में ही बुढ़े होने तक रह जाएगा। करिए आप नहीं भरोसा, मत भरोसा कि नहीं मैं नहीं मानता हूं, यह बहुत अच्छी बात, मत मानिए। टीचर आपको पानी में डुबा करके नहीं मनवाया, कहेगा जाने दो बेटा आप तो कॉर्पोरल पनिशमेंट ऐसे ही मना हो गया, नहीं मारेंगे नहीं पीटेंगे, रहो तुम यहीं पर। नहीं मानते हो ना कि ये है तो यहीं रहो, बुढ़े होने तक नहीं मानोगे तो यहीं रहोगे। और आज बहुत से ऐसे ही मसीही हैं जिनको आज तक परमेश्वर के कलाम पर भरोसा नहीं हुआ। जिस दिन भरोसा हो जाता, मैंने पिछले संडे आपसे क्या कहा था, स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए क्या कहा था कि मैं जी उठूंगा, वो तो याद ही नहीं था ना, वो भरोसा नहीं था। उनको अपने मसाले पर ज्यादा भरोसा था, उनको अपनी ताकत पर ज्यादा भरोसा था, उनको उस सुगंधित द्रव्य पर ज्यादा भरोसा था, उनको उस कब्र पर ज्यादा भरोसा था कि वहां यीशु की लोथ मिलेगी, उनको अपने दिमाग पर अपने सोच पर अपनी डॉक्ट्रिन पर ज्यादा भरोसा था कि कब्र है, लोथ रखी गई है तो होगी कैसे नहीं। लेकिन उसका वचन उनके लिए कोई माने नहीं था। और आज हमारे और आपके लिए परमेश्वर का वचन कोई माने है? अगर माने होगा ना तो यहां से जाने के बाद भी ये गूंजता रहेगा, ये खुदावंत का कलाम गूंजता रहेगा। आप बोलेंगे यार और मेरे पास है क्या, ऑल दैट आई हैव इज द वर्ड ऑफ गॉड। शैतान का मुकाबला जब मुसीबतें आती कोई चीज नहीं कर पाएगी आपकी एक्सेप्ट द वर्ड ऑफ गॉड। 40 दिन जब यीशु निराहार रहा और शैतान ने आकर के ऐसी ऐसी चाल फेंकी, हम और आप होते तो वहीं अंधे मुंह गिर जाते क्योंकि हमको तो वचन पर भरोसा नहीं था। केवल वचन को कह करके शैतान को उन्होंने नेस्तनाबूत कर दिया, बोला ये भी लिखा है, ये भी लिखा। सोचिए आप, एक लिखे हुए एक वचन को लेकर के शैतान की बोलती बंद हो गई। ऑल दैट जीसस डिड इज यूज द वर्ड, परमेश्वर का कलाम यह भी लिखा है। काश कि हम भी कहे यह भी लिखा हुआ है, यह भी लिखा हुआ है। जानते हैं कब? जब आपके पास उस वचन पर भरोसा करने की पूरी ताकत आ जाएगी, धैर्यता के साथ, पूरे विश्वास के साथ। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मुझे तो निश्चय है कि मैं उसके साथ जीवन भर उसके आंगन में उसके धाम में विश्राम करूंगा। सोचिए कहीं कुछ हुआ नहीं, बट बिलीविंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन पर भरोसा कीजिए। मित्रों, यह 17वां अध्याय हमको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना सिखा रहा है। आपकी क्या औकात है इस पर मत जाइए आप, अपनी औकात तो आप देखिए नहीं, अपने आप को तो दाऊद ने शुरू ही किया, यहोवा मेरा चरवाहा, मैं क्या हूं, मैंने छोड़ दिया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, मैं दलिद्र हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, जो भी हूं वो मेरा चरवाहा है और उसकी वजह से मुझे कुछ घटी नहीं होगी। बिकॉज ऑफ हिम ही इज द वन हु एस्टैब्लिशेस मी। अपने आप को परमेश्वर के वचन में गहराई के साथ, हुआ कुछ नहीं था अभी, जितनी 14 प्रॉमिसेस थी इसके अंदर, 14 हुई कुछ, अभी यहां कुछ नहीं हुई, अब तो होने वाली थी ना, लेकिन यहीं पर परमेश्वर चाहता था कि उस पर भरोसा रखे। और यह कह के मैं खत्म करना चाहता हूं, परमेश्वर ने कहा अपना नाम बदल दो, अब्राम की जगह इब्राहिम रखो, तुम्हारा नाम होगा इब्राहिम। याद रखिएगा, आपका नाम आपके मूल्य को बताता है। जब आप ब्रांडेड चीज खरीदने जाते हैं ना, जैसी आप किसी ने सामने रखा, ये कितने का है, 1000 रुपए का, आप चिल्लाने लगे अरे 1000 का ये टी शर्ट 1000 रुपए की, अरे हजार सर नाइकी की है, आपका मुंह जो है ना वो जिप हो जाता है। बगल वाला कहता है जब नाइकी की है तब तो 1000 रुपए तो कम है दादा, तो 2000 की होनी चाहिए। सुना आपने, अभी तक नाम नहीं बताया था उसने अभी तक नाम नहीं बताया था तो आप चिल्ला रहे थे कि 1000 रुपए की ये टी शर्ट। वो भले ही वो हो सकता है वो टी शर्ट नहीं हो किसी लाए, आई डोंट नो, लेकिन नाम जैसी जुड़ा, बोला नाइकी की है ये, तो आपका मुंह जो था, आप बल्कि ये सोचने लगे तो सस्ती है। मसीहियों, आप मसीही हो, यीशु मसीह का नाम अपने ऊपर आपने रखा है, यीशु मसीह आप करते फिरते हो, क्या मूल्य है आपका? अपना नाम जो आप बदलते हैं ना, मेरा नाम एंड्रूज हो गया, मेरा नाम पीटर हो गया, मेरा नाम ये हो गया, एक काम कीजिए उस नाम में उतना दम भर दीजिए, वो मटेरियल, वो क्वालिटी, एक मसीही की क्वालिटी एक मसीही की होनी चाहिए। आप यीशु मसीह के मानने वाले हैं, उसके वचन पर भरोसा करने वाले हैं, अपना नाम बदल दो,
मेरे कहने से अपना नाम बदल दो। लोग कहते नाम में क्या रखा, बहुत कुछ रखा है, नाम ही से तो चीजें बिक रही। आपके पास वो नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ, जिस नाम के आगे एक दिन घुटने टिकेंगे और कहेंगे यीशु ही प्रभु है, वो नाम आपके पास है, वो वचन आपके पास है। क्या चाहिए आपको जानते, क्या चाहिए भरोसा चाहिए जानते, क्या चाहिए धीरज चाहिए। मेरी यही दुआ है कि मुझ में आप में ये धीरज और ये विश्वास, ये भरोसा इतना गंभीर हो जाए, इतना ज्यादा हो जाए कि दुनिया की कोई चीज हमको उसके कलाम से अलग ना कर सके, हम दुनिया की चीजों का बहाना बना के उसके कलाम को पीछे ना करें। उसका कलाम पहले रहेगा, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मेरे और मेरे परिवार के लिए दुआ कीजिएगा, खास करके मेरे ट्रैवलिंग के लिए। बहुत जल्दी प्रभु ने चाहा तो एक दो हफ्ते में आपसे मुलाकात होगी। प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु हमको अपनी पनाह में रखे, अपने पंखों की आड़ में रखे और सारी ट्रैवलिंग मर्सीज दे, ताकि फिर आपके बीच में पहुँच करके रूबरू आपके साथ मिलकर के परमेश्वर के कलाम की गंभीर बातों को देख सके। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, क्योंकि तेरा वचन ही मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है। जय मसीह।